नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहां पर हम आप सभी को इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में हर महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारत के पास दूसरे टेस्ट मैच में, जो कि आखिरी टेस्ट मैच है भारत और श्रीलंका के बीच, इसमें सीरीज जीतने का बहुत ही अच्छा मौका रहेगा। श्रीलंका क्या श्रीलंका तोड़ पाएगी रोहित शर्मा का सपना? रोहित शर्मा जरूर चाहेंगे कि वो सीरीज जीत कर अंक तालिका में सबसे ऊपर अपना स्थान बनाए और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में फाइनल खेलने का भी गौरव हासिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले इस मैच को दोपहर के 2 बजे शुरू किया जाएगा और ये मैच 12 मार्च से 16 मार्च तक खेला जाएगा बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं उन प्लेयरों की जो प्लेयर आज के मैच में भारत की तरफ से खेल सकते हैं। रोहित शर्मा जो कि कप्तान रहेंगे, मयंक अग्रवाल, हनुमा विहारी, विराट कोहली, ऋषभ पंत विकेटकीपर, श्रेयस अय्यर, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह जो कि वाइस कैप्टन रहेंगे, मोहम्मद शमी, और 11वें प्लेयर के नंबर में अभी कन्फर्मेशन नहीं हुई है, अक्षर पटेल, जयंत यादव और मोहम्मद सिराज में से कोई एक प्लेयर खेल सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं श्रीलंका के प्लेयर्स की। लहिरु थ्रीमाने और दमुथ करुणारत्ने कप्तान जो कि ओपनिंग करते हैं, कौशल मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, धनंजय डिसिल्वा, चरित असलंका, निको निरोशन डिकवेला, सुरंगा लकमल, लसित एम्बुलदेनिया, विश्वा फर्नेंडो और प्रवीण जय विक्रमा। तो दोस्तों, इनकी तरफ से, श्रीलंका की तरफ से ऑलमोस्ट प्लेयर सिलेक्टेड हैं प्लेइंग 11 के लिए। इंडिया के लिए एक प्लेयर की आशंका है, तीन में से कोई एक खेलेगा। व्हाट टू एक्सपेक्ट, खेल से 2 दिन पहले पिच ज़्यादातर बंजर दिख रही थी और सूखी घास की चपेट में थी। स्पिन एक कारण हो सकता है, स्पिन ज़्यादा खेली जाएगी और स्पिनर ज़्यादा गेंदबाज खिलाए भी जाएंगे। संभावना है कि गर्मियों से पहले बेंगलुरु का सूरज पिच पर धड़कता है। दोनों टीमें सप्ताह के अंत तक एक बार फिर चिन्नास्वामी की धाट को महसूस करेंगे। राज्य संघ ने सामान्य स्थिति की ओर एक बड़े कदम में स्टेडियम की पूरी क्षमता को प्रशंसकों के लिए खोल दिया है, यानी कि बहुत ही शोर शराबा आपको मैच में देखने को मिलेगा। राज्य संघ ने सभी को अनुमति दे दी है पूरा मैच एंजॉय करने के लिए। मैच से पहले श्रीलंका के कप्तान ने कहा है कि मुझे लगता है कि हम इस श्रृंखला में कुछ कर सकते हैं, जैसा कि हमने 2019 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो सीधी सीधी बात है दोस्तों, इन्होंने चैलेंज कर दिया है कि ये कुछ अलग करेंगे। भारत के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है ये, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में अपना रैंक सुधारने का भी मौका है और सीरीज जीतने का भी। रोहित शर्मा जब से कप्तान बने हैं दोस्तों, एक भी टेस्ट मैच या कोई भी वनडे मैच नहीं हारे हैं। श्रीलंका ने अपनी चुनौती पेश कर दी है, मुंह जवानी ही सही। देखते हैं ग्राउंड में क्या रहता है आज के मैच का हाल। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। क्रिकेट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।